महाराज की तीर्थराज सम्मेद शिखर के पावन वसुंधरा पर स्थित गुणायतन परिसर से आपका लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के सत्र को पारस चैनल देश और दुनिया में देख रहे सभी लोगों का और यहाँ पर उपस्थित समस्त साथियों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल छाव आशीष निर्देशन के अनुसार गुणायतन की जो रचना यहाँ पर की जा रही है, आने वाले समय में वो एक इतिहास में अंकित होने वाले स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाली होगा। देश और दुनिया से अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए उस गुणायतन जिनालय से जुड़ रहे हैं, गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। आज भी कुछ नए साथी गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि आप करतल धोने से उन सभी का सम्मान करेंगे, उनके उदार दान का हृदय से अनुमोदना करेंगे। आज संस्थापक सदस्य के रूप में, स्तंभ से जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन परिवार में, राय बरेली से श्री सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अशोक कुमार जी, रविंद्र कुमार जी राय बरेली कृपया पधारे। शीघ्रता से श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अशोक कुमार जी, रविंद्र कुमार जी जैन राय बरेली आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। सुरेंद्र प्रीति जी जैन और अनिल अमिता जी दुर्गापुर कृपया पधारें। और आज जो स्तंभ से संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें, श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती रजनी जैन, श्री अशोक कुमार जी, रविंद्र कुमार जी जैन राय बरेली। आज जिनके भी नाम हम ले रहे हैं थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। स्तंभ के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री श्रवण जैन, श्रीमती दर्शन जैन, शरद जी, सोनल जी, शरद जी, सची जी, शिल्पी जी, समीर जी, साना जी, सियान जी जैन सपरिवार न्यू दिल्ली से। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बंधु लगातार ये उदार मना दानदातार हैं। स्तंभ के रूप में ही गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं श्री प्रकाश नारायण जैन, सुधाकर नारायण जैन, सचिन पंकज पराग सोनी कस्तूरी बुलढाणा औरंगाबाद महाराष्ट्र से। श्री प्रकाश नारायण जैन, सुधाकर नारायण जैन, सचिन पंकज पराग सोनी कस्तूरी बुलढाणा औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि से अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। बंधु गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं श्री नंदलाल जैन, स्वर्गीय मिश्रीबाई वाकलीवाल, देवेंद्र नरेंद्र सुरेंद्र महेंद्र वीरेंद्र वाकलीवाल कारवान हैदराबाद से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। जिनके भी हम नाम ले रहे हैं अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अनुरोध है कि शीघ्रता से मंच पर पहुंचे। सूत्रधार के रूप में ही सम्मिलित हो रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जी जैन जबलपुर से, श्री प्रकाश नारायण जैन पधारे, सुधाकर नारायण जैन, सचिन पंकज पराग सोनी कस्तूरी बुलढाणा औरंगाबाद आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री नरेश भाई जी सूरत से और साथ में मनोज अनामिका जैन बाकलीवाल इंदौर गुणायतन संरक्षक पधारे। और आज जो नए सदस्य गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं उनका सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में श्री राजेंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार में आज सम्मिलित हो रहे हैं श्रीमती मंजू रमेश गुप्ता जैन न्यू दिल्ली, निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से आज जुड़ रहे हैं श्री मुन्नालाल जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, श्री नीतेश जैन ग्वालियर, श्री अक्षय कुमार जैन पटना बुजुर्ग वाले, श्रीमती संध्या जैन, सोनम जी, आयुषी जैन इंदौर, श्री सुरेंद्र कुमार, शोभा रानी जैन, शोभिका जेम्स एंड ज्वेल्स, स्वरित जैन दिल्ली, श्री प्रकाश चंद मोदी, श्री चक्रेश ममता एंड फैमिली नरसिंहपुर, सभी का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से एक बार सम्मान कीजिएगा। आइएगा बंधु, शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं।
देश और दुनिया में सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में होंगे। हम सब भी महाराज श्री का मंगल आशीष लेते हैं और शंका समाधान के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा और त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा श्री हम शंका समाधान के सत्र को ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन प्रश्नों से प्रारंभ करना चाह रहे हैं। दो चार ही विजय जी कोठारी बेंगलोर से पूछ रहे हैं महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री। जिन श्रावक गृहस्थ ने वारह व्रतों को धारण नहीं किया है क्या वो प्रतिक्रमण कर सकते हैं और साथ ही प्रतिक्रमण की शुरुआत कब से हुई है, इसका इतिहास क्या है? प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? कृत दोष निरायरणम परिकमनम, किए गए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण। तो दोष तो सबसे होते हैं, तो दोषों की शुद्धि सबको करनी चाहिए। हाँ, व्रतियों के लिए क्योंकि उनके व्रत संकल्प अधिक होते हैं तो दोषों की संभावना भी अधिक होती है, तो उन्हें अपने व्रतों की रक्षा के लिए व्रतों की शुद्धि के लिए विशेषतया प्रतिक्रमण करना चाहिए। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो अव्रती हों उनके मन में अपने व्रतों में लगने वाले दोषों के प्रति कोई पश्चाताप ना हो, उनकी शुद्धि का भाव ना हो। तो ऐसा कहना कि जो व्रती है वे ही प्रतिक्रमण करे, ये बात ठीक नहीं है। प्रतिक्रमण हर किसी को करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब आप प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं तो प्रतिक्रमण के पाठ में जो आज प्रचलित प्रतिक्रमण का पाठ है उसमें तो बारह व्रतों के ही हैं श्रावकों के लिए। तो मैंने जो व्रत किए नहीं और मैं कह रहा हूँ इस व्रत में मैंने अगर कोई दोष लगाए हो, अतिक्रम किया हो, व्यतिक्रम किया हो, अतिचार हो, अनाचार हो, मेरे दोष मिथ्या हो, तो ये झूठा प्रतिक्रमण है। तुम्हारा व्रत ही नहीं और तुम व्रत कर रहे हो। तो प्रतिक्रमण मूलतः द्रव्य प्रतिक्रमण न होकर भाव प्रतिक्रमण होना चाहिए। आप एक संशोधित प्रतिक्रमण हर व्यक्ति को करना चाहिए और कर सकता है कि मेरे आज सुबह से शाम तक की क्रियाओं में मेरे मन से, मेरे वचनों से, मेरे शरीर से जाने अनजाने में क्रोधवश, कसायवश, अज्ञानवश, प्रमादवश, भूलवश अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसका मुझे पश्चाताप है और मैं उसका शोधन करना चाहता हूँ, मैं उसकी शुद्धि करना चाहता हूँ, उस दोष से मुक्ति करना चाहता हूँ। हाडुट्ठकयम हाडुत्त चिंतयम भास्यम च हादुट्ठम अंतो अंतो डज्झामि पच्छुत्तावेन वेयन्तो। हाय मैंने बुरा किया, हाय मैंने बुरा सोचा, हाय मैंने बुरा बोला, मुझे अपने कृत्यों का घोर पश्चाताप है, मेरा हृदय मेरे दुष्कृत्यों के प्रति कचोट मार रहा है, मैं अपने उन पापों की आलोचना करना चाहता हूँ, मैं अपने उन पापों की निंदा करता हूँ, उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेते हुए उनका परित्याग करता हूँ, ये भाव है प्रतिक्रमण। एक भावना योग का ही एक रूप है। हर व्यक्ति को अपने अंदर प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? बुहारी लगाना। क्या है मतलब? बुहारी लगाना। बुहारी कहाँ लगाई जाती है? जहां कचरा होता है। जब हमें कचरा दिखता है तो घर का फर्श साफ करने के लिए बुहारी लगाई जाती है, कचरा साफ करने के लिए बुहारी लगाते हैं। तो आप अपने घर के कचरे को साफ करने के लिए घर में बुहारी लगाते हैं तो मन के कचरे को साफ करने के लिए मन में बुहारी लगाइए। तो हर उस व्यक्ति को प्रतिक्रमण की जरूरत है जिसके मन में कचरा है। और मैं तो कहूंगा व्रती के मन में कम कचरा होता, अव्रती के मन में ज्यादा। इसलिए अगर देखा जाए तो व्रती की तुलना में अव्रती को प्रतिक्रमण करना ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचे। पर वो प्रतिक्रमण जो उसके लायक, जब प्रतिक्रमण नहीं भाव प्रतिक्रमण होना चाहिए प्रतीति के साथ, तो वो आपके जीवन को बदलेगा। जहां तक सवाल है प्रतिक्रमण का, जब से जैन धर्म है तब से प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण हमारा मूल व्रत है। मुनियों के छह आवश्यकों में प्रतिक्रमण एक उनका मूल आवश्यक है।
और हमारा जो वर्तमान में प्रचलित प्रतिक्रमण पाठ है वो कहते हैं गणधरकृत है, ऐसा कहा जाता है। तो ये चिरंतन काल से चला रहा है प्रतिक्रमण, हमारा मूल व्रत है, इसलिए प्रतिक्रमण को बहुत रुचि से करना चाहिए। चूंकि आज शंका समाधान के लिए नाम बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑनलाइन प्रश्नों को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आज से पूरे शिविर पर्यंत ऑनलाइन नगण्य होंगे। चलिए ठीक है, प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सुरेंद्र प्रीति जैन, गुवाहाटी, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। आगे तैयार रहेंगे अक्षय जैन पिपरई। कुछ दिन पहले जो अष्टानिका पर्व के वक्त जो सिद्ध चक्र विधान हुआ था उसमें पहली बार मैं 8 दिन के लिए आया था, और तब से जो 1 महीना बीता यही सोचते हुए कि कब दशलक्षण जी आए और कब मैं आपके सानिध्य में शिविर में सम्मिलित हूँ, लेकिन तबीयत कुछ आगे पीछे होते होते कल जाके प्रोग्राम बना, तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि इसी तरह से ये 10 दिन हमारे सानंद संपन्न हो आपके साथ। और प्रश्न जो है वो प्रीति करेगी। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, कल से 10 लक्षण धर्म शुरू होने वाले हैं, तो हमें विशेष रूप से 10 दिनों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है, 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, एक ही बात करना चाहिए कि इस 10 लक्षण में हमें अपने लक्षण सुधारने का प्रण लेना चाहिए। बस साल में हमें अपना लक्षण सुधारना है, अपने जीवन में बदलाव करना है। रहा सवाल इन 10 दिनों की प्रवृत्तियों का, तो 10 दिन बड़े नियमित होने चाहिए, संयमित होने चाहिए। आप अपने आप को संयम की कसौटी पर जितना कस सको कसने की कोशिश करना चाहिए। ये मन बना लीजिए कि 10 दिन हम पूरी तरह संयम से रहेंगे। सबसे पहला उत्तम प्रयास तो यह है कि 10 दिन लोग कम से कम 2 वक्त सामायिक करें। प्रातः काल यहाँ प्रदर्शित होने वाला भावना योग, यहाँ कराया जाने वाला भावना योग भी आपकी सामायिक ही है। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो चाहें तो अपने घरों में भी इस भावना योग के माध्यम से अपनी सामायिक पूरी कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको प्रमाणिक है। संयम में लोग एकाशन करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत नियम लेते हैं। ये हमारा संयम है, अच्छी चीज है। ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का एक प्रतीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा संयम हमें अपनी भावनाओं पर रखना सीखना चाहिए। खान पान में जितनी शुद्धि रखे रखे, कम से कम आम लोगों से मैं कहूँगा, यहाँ शिवरात्रियों के तो सारे नियम अभी बता दिए जाएंगे, आम लोग ये करें कि 10 दिन में हम खान पान पर संयम रखें, और कम से कम रात्रि में तो 4 प्रकार के आहार का परित्याग करें ही। जब लोग 10 दिन निर्जर उपवास कर सकते हैं, तो क्या आप रात में 10 दिन निराहार नहीं रह सकते हैं? 10 दिन निर्जल रहोगे ना, तो 5 उपवास का फल मिल ही जाएगा। समझ गए? ये आप अपने आप को कसिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और करते हैं, जिनकी दिनचर्या अलग है, उन बच्चों के लिए कहता हूँ, कम से कम वे भी 10 दिन रात्रि के 4 प्रकार के आहार का त्याग करें, और बाजार की वस्तु न खाएं, अशुद्ध वस्तु न खाएं, शुद्ध वस्तु खाएं, और रोज नियम ले। जिस दिन क्षमा धर्म है, उस दिन के लिए संकल्प ले कि आज मुझे क्षमा रखना है। मर्दव धर्म है, उस दिन के लिए संकल्प रखे कि आज मुझे विनम्रता अपनानी है। आज धर्म उस दिन के लिए रखे कि आज मैं छल कपट से बचूंगा। लोभ धर्म के, शौच धर्म के दिन मैं आज पवित्रता रखूंगा, अपने हृदय में लोभ को विकसित नहीं होने दूंगा। ऐसे एक एक धर्म के विषय में व्यक्ति सोचने लगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बाकी शेष बातें तो आप सबको अभी कही ही जाएगी और समय समय पर बताया जाएगा। अनामिका मनोज बाकलीवाल इंदौर। अक्षय जैन थोड़ी देर बाद। अनामिका मनोज बाकलीवाल इंदौर, संरक्षक गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी कटारिया। प्रातः स्मरणी सदा सदैव वंदनी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल हम यहाँ रात को उतरे, जब से लेकर हम अभी तक देख रहे हैं कि संपूर्ण कमेटी और समस्त कर्मचारी
बहुत सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं। जब से यहाँ आए हैं, चाहे वो रहने की स्थान हो, भोजन व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, चाहे पर्यूषण पर्व में जो हमें किट मिलने वाली सब व्यवस्था है, एक नंबर सुंदर व्यवस्था हमको यहाँ पे मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ एक बार सभी लोग जोरदार कमेटी के लिए, कर्मचारी के लिए हमारे। अब गुरुदेव, चूंकि ये सब व्यवस्था तो कमेटी सब लोग दे रहे हैं, पर जो उपकार आप हम पर करने वाले हैं, 10 दिनों में आप हमें सद्मार्ग पर विशुद्धि भाव से आप हमें ले जाएंगे, इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करता ध्वनि हाथ ऊपर करके। बस गुरुदेव, मेरा यही इतना से निवेदन था। नमस्ते भैया, पहले ही दिन प्रशंसा कर दोगे तो कमेटी तो फूल जाएगी, है ना? बात बिल्कुल सही है, कमेटी आपकी ही है और आप ही कमेटी है। किसी गांव शहर में व्यवस्था बनाना बड़ा सरल है, लेकिन ऐसे स्थान पर जहाँ एक छोटी सी चीज के लिए भी 30-35 किलोमीटर जाना पड़े, वहाँ आपकी सुव्यवस्था बनाना थोड़ा कठिन होता है। कमेटी आपकी व्यवस्था बना रही है, उसका कर्तव्य भी है कि बनाए, लेकिन आप लोगों को एक परामर्श देना चाहूँगा कि आप व्यवस्था नहीं अवस्था को देखने की कोशिश करें। आपको व्यवस्था नहीं देखना है, क्या देखना है? अवस्था। मेरी क्या अवस्था है, मेरे परिणाम मुझे संभालना है। व्यवस्था तो यथासंभव अच्छी से अच्छी हुई होगी और होना भी चाहिए, और थोड़ी बहुत कसर भी हो जाए तो उस व्यवस्था को आप अपनी व्यवस्था समझकर उसे ठीक करने की कोशिश करना, अव्यवस्था मत फैलाना। ये मैं यहाँ के लिए नहीं, सब जगह के लिए कह रहा हूँ। आज आपके लिए सारे कार्यकर्ता जितने लोग लगे हैं, इतने लोगों की व्यवस्था के लिए कितने लोगों को लगना पड़ता है, अपना घर परिवार व्यापार सब छोड़कर यहाँ तुम्हारे लिए समय दे रहे हैं। अभी तो उनको पता ही नहीं तुम्हें शिविर संयोजक कौन है, क्या है, सब काम में लगे हैं, और वो सब अपने काम में लगकर काम कर रहे हैं। आपको धर्म ध्यान करने का मौका मिल रहा है, तो आप सबको उनके लिए भी सहयोग देना चाहिए। और मैं सभी इस शिविर में पधारे भक्तों को कहूँगा, शिविरार्थी नहीं सब भक्त लोग हैं, हर व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मानना और सलाह नहीं सहयोग देना। क्या बोला? सलाह नहीं सहयोग देना है। अगर कहीं कोई कमी दिखे तो उसे अपने लेवल पर ठीक कर लेना, समझ गए? बड़ी हम आप लोगों की जो मानसिकता है, कई बार ऐसा देखने में आता है थोड़ी भी असुविधा सहन नहीं होती, जबकि हमें अपनी मनस्थिति बदलनी चाहिए। हम तीर्थ क्षेत्र में आए हैं और दशलक्षण मनाने आए हैं, किसी पर्यटन स्थल पर नहीं और किसी बारात में नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना। यहां मुझे सुविधाओं को भोगना नहीं, सुविधाओं को त्यागना है। आम दिनों की दिनचर्या में मैं जिस तरह की सुविधाओं का उपभोग करता हूं, संकल्प करो ये मैं करूंगा ही नहीं, इनका त्याग करूंगा। अपने लेवल पर यदि आप ये छोटे छोटे नियम लेते हैं, बदलाव आएगा। अभी शिविर के संबंधित नियम लिया है, 10 दिन तय करो सेविंग नहीं करेंगे, संकल्प कर लो अपने मन में, देखो क्या मजा आता है। ये संयम है अपने आप पर, अपने करके देखो। एक बार संकल्प ले लोगे, 1-2 दिन खुजाएगा, 3rd दिन से नॉर्मल हो जाएगा। 10 दिन में साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा, 10 दिन में कॉस्मेटिक का प्रयोग नहीं करूंगा, ये इंद्रिय संयम है कि नहीं? मैं सुविधाओं को त्यागूंगा। अरे महाराज, सवेरे से सेविंग नहीं करते, गाल खुजलाते। 1 दिन 2 दिन इसी को तो जीतना है। तो आप अपनी मनोदशा बनाएं, मैं अपनी तरफ से नियम किसी को नहीं थोप रहा हूं, लेकिन एक दिशा देना चाह रहा हूं कि आपको अपने आप को कसना है। क्या करना है?
बोलो कसना है, कस कर रखना है या कसर रखना है? बोलो कस कर रखना है, कसर नहीं रखना। तो आपको खुद को खुद कसना होगा, दूसरे जिसे कसते हो जानवर कहलाता है, ध्यान से सुने, जिसे दूसरे कसे वो जानवर और जो खुद को कसे वो साधक। समझ गए? तो हमें जानवर तो हम है नहीं, दूसरा क्यों कसे? हमें खुद को खुद से कसना है और कस करके अपने जीवन को बिल्कुल खरा बनाना है, ये हमें ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सभी शिवराथी ये प्रण करते हैं कि हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। दीपक जी कटारिया रतलाम और साथ में रवि मोटिया जी रतलाम, आगे तैयार रहेंगे रतन लाल जी शिंगोली दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। आज मोटिया परिवार के रतलाम के साथ में 80 यात्रियों के संग में तीर्थराज का सानिध्य और दक्ष लक्षण पर्व की आपकी निश्रा में इतनी भव्य आराधना करने का अनुपम अवसर मुझको प्राप्त हुआ, ऐसा सौभाग्य। याद आती है आपकी पुरानी स्मृति, जो रतलाम में आपका भव्य चातुर्मास और शुरू से ही आचार्य श्री विद्यासागर जी और आपके जीवदया भावों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। गुरुवर, जो प्रेरणा आपसे पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को मिलती है जीवदया के लिए, मेरा विषय और शंका भी जीवदया के लिए है। गुरुवर, हम जीवदया के क्षेत्र में 400 लड़कों का हमारा रतलाम में ग्रुप है और उसमें जब हम सेवाएं देते हैं, जब कोई पशु बीमार होता है, एक बड़ा पंचेंद्रीय जीव बीमार होता है, उसके शरीर में कोई घाव होता है और उस घाव को ठीक करने के लिए उसमें कई सारे छोटे छोटे जीव जब उसके अंदर रहते हैं और हम दवा डालते हैं, मेरे मन में बहुत समय से, काफ़ी साथियों के मन में एक जिज्ञासा थी कि यह जीवों को कहीं ना कहीं इनकी हिंसा हो रही है एक बड़े जीव को साता पहुँचाने के लिए। तो गुरुवर, शंका का समाधान करें, उपकृत करें। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप जो बहुत सबसे पहले तो इस दीपक कटारिया के साथ उसके पूरे ग्रुप का एक बार करतल ध्वनि से जोरदार सम्मान कर दें। ये लोग जीव दया का कार्य बड़ी कुशलता से करते हैं, रतलाम में मैंने इनकी सेवा को अपनी आंखों से भी देखा है। आपने जो सवाल किया है उस संदर्भ में मैं आपसे केवल इतना पूछूंगा कि आप जो गायों की सेवा करते हैं वो उन्हें बचाने के लिए करते हैं कि जीवों को मारने के लिए करते हैं? बचाने के लिए गुरुदेव। तो आपका काम बचाने का है या मारने का? भाव बचाने के, पर उसमें छोटे जीवों की जो जो पूछ रहा होता बचाने का, वो बचाने का काम पुण्य है या पाप? पुण्य ही है। तो आपको पुण्य लगेगा कि पाप? बात समझ में आई? हमारा उद्देश्य रक्षा का है, उसके प्राण बचाने का है, समझ गए? और वो प्राणी नहीं बचेगा तो उसके आश्रित प्राणी कहाँ रहेंगे? समझ गए? इसे दूसरे संदर्भ में लो, अगर कोई बीमार पड़ता है वो एंटीबायोटिक लेता है? ये एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? आप लोग लेते हो ना? एंटीबायोटिक का रोल क्या है? शरीर में कोई जीव बैक्टीरिया वगैरह उनका उनका नाश ही होना, खत्म होंगे तो बड़ा वो आप उनको नाश करने के लिए करते हैं कि अपने आप को स्वस्थ करने के लिए? हमेशा एक बात ध्यान रखने की बात है, जैन धर्म में क्रिया से महत्वपूर्ण उसके साथ जुड़ी हुई भावना है। आप क्या कर रहे हैं, कौन है, किस भाव से कर रहे हैं प्रमुख है, समझ गए? तो आपके भाव अगर अच्छे हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें भी विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। पहला प्रयास करें कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही ना हो, और अगर हो तो इतने विवेक के साथ करें कि वे भी अकाल मृत्यु के शिकार ना हो, उन्हें भी संरक्षण मिल सके। रतन लाल जी शिंगोली महाराष्ट्र गुणायतन दृष्टि, महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में ही है। अच्छा, नीमच, शिंगोली नीमच, मध्य प्रदेश। आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जैन पिपरई।
परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, जो हमारी स्थिति है वो क्योंकि हमारे पूर्वज क्या करते थे कि पिताजी की जूती बच्चे के पैर में आ जावे तो बच्चे को अपना दायित्व उतार देना चाहिए, और हमारी स्थिति ये हो गई इस टाइम पे कि हमारे पोते की जूती भी मेरे पैर से बड़ी। ऐसी स्थिति में हमारी दिनचर्या ऐसी बने कि हमारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाए, यही निवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है, और मैं समझता हूँ ये सवाल यहाँ उपस्थित ज्यादातर लोगों के साथ लागू होता है। पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके पिताजी ने आप पर भार कब सौंपा था? जब उनकी जूतियां आपके पैर में समा गई थी तब ना? महाराज जी, उस समय की स्थिति का वर्णन करूं तो मैं पूछ रहा हूं, उतना उत्तर दो। उससे पहले 16 के समय चार संभला दिया था। चार संभला दिया था? जाओ कमा खाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात है, ये बिल्कुल यथार्थ कहावत है कि जिस दिन पिता की जूती बेटे के पैर में समा जाए तो समझ लेना बेटा काम करने लायक हो गया है, और उसे दायित्व सौंपना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे पुरखों की यही परंपरा रही और उससे पीढ़ियां आगे बढ़ी। अब तो क्या है, आपने बोला पोते तक की स्थिति आ गई है, लेकिन अभी कमांड हाथ में ही है। ये मोह माया का विस्तार है, इसी में लगे रहोगे और इस वजह से बहुतों की दुर्गत भी हो रही। घर में ही वे अपनों की ही उपेक्षा के पात्र बन रहे। आपने कहा हम ऐसा क्या करें कि हमारी मृत्यु मृत्यु महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो। मैं कहूंगा कि संतान अगर समर्थ हो गई है, काम काज को संभालने में सक्षम दिख रही है, तो धीरे धीरे उन्हें परखते हुए उन पर भरोसा करते हुए अपना दायित्व सौंपना शुरू करें, और जब लगे कि अब ये पूरी तरह संभालने में सक्षम हो गए तो कारोबारी दायित्व बच्चे को, अब पारिवारिक दायित्व बहू को सौंपे। खुद मार्गदर्शक की भूमिका में रहे, बेटे को जब जरूरत हो सलाह दे दें, पर मार्ग निर्णायक न बने। बेटा अब तुम योग हो गए, तुम्हें जो डिसीजन लेना ले, तेरे को जब तकलीफ हो तो मेरे पास आना। अगर आप ऐसी वृत्ति रखते हैं तो बच्चों को उभरने का भी अवसर मिलता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक साथ दो प्रकरण आए। एक में कहा कि महाराज जी, मैंने बेटे को जब से काम सौंप दिया, मेरे बेटे ने मेरे बिजनेस में 200% की ग्रोथ दे दी। महाराज जब मैं निष्फिक्र हो गया, 22 साल का बच्चा है लेकिन गजब का काम किया है महाराज जी, अब हमें लगता है कि हमें आराम है। और उसी दिन एक दूसरा आया जिसने बेटे ने कहा, महाराज जी मैं क्या करूं, हमारे बाबूजी को मुझ पर भरोसा ही नहीं, मैं कुछ भी करता हूं तो उनको हमेशा शंका रहती है, वो हमेशा मुझे डिमोटिवेट करते हैं, तुम कर ही नहीं सकते, तुम नुकसान कर दोगे, तुम कर ही नहीं सकते, तुम नुकसान कर दोगे। दोनों उदाहरण सामने हैं, सौंपोगे तभी वो अपनी योग्यता को साबित कर पाएगा, पकड़े रहोगे तो बेचारा अवसर कहां पाएगा। सौंपिए, हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, झेल लीजिए, तब तो अपनी योग्यता को निखारेगा। दायित्व सौंपना हाँ, लेकिन ये युग खराब है, दायित्व सौंपना पर पूरा स्वत्व मत सौंपना। अगर साधु बनना हो तो सब सौंप देना, और घर पे रखना है रहना है तो चाबी अपने पास रखना, बच्चों के आगे कभी हाथ पसारना पड़े ऐसा जीवन मत जीना, हमेशा बच्चों के सिर पर हाथ रह सके ऐसा भाव रखना।
बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम कमाओ खाओ खिलो खेलो, तुम्हें जब हमारी जरूरत हो तो मुझे याद करना, लेकिन हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो विजय पद सिंघानिया का उदाहरण सबके सामने है, ऐसा मत करना, बड़ा आर्त ध्यान हो जाएगा। जब तक घर में हो तो गृहस्थ की शोभा माया से है और साधु की शोभा काया से है, बिना माया के कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने पास वो रखो। साधु बन जाओ तो फिर कोई जरूरत नहीं, तो उतना अपने पास रख लेना जिससे तुम्हारा अपना जीवन सुचारू धर्म ध्यान के साथ चल सके। दायित्व उनको सौंपो, जिम्मेदारी उनको सौंपो, और फिर धीरे धीरे वानप्रस्थी बनते हुए उत्कर्ष के मार्ग में लगो, त्याग तप आराधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे जैसे उम्र बढ़े अपनी साधना को प्रखर बनाओ। महाव्रती नहीं बन पाए, व्रती बनो, जीवन के सार को पाओ, और व्रत संयम के पथ पर चलते चलते नित्य भावना भाव मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो, और उसके लिए जो समय समय पर साधना बताई जाती हो बताओ। एक और रास्ता है आप लोगों के लिए, जिन्हें लगता है बच्चे काम करने लगे हैं, और अब तो एक अच्छा, एक दृष्टि से सकारात्मक है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों के बच्चे जॉब करते हैं, तुम्हारे धंधे में बैठते नहीं। इसका अलग अलग पहलू है, नकारात्मक पहलू पर तो हमने बहुत चर्चाएं की है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू यह है कि बच्चे जॉब कर रहे हैं तो झमेला खत्म, तुम अपने पास जो तुम्हारा अर्जित उसको समेट लो, और अगर तुम्हारे पास ज्यादा संचित नहीं है तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो कि रेकरिंग अर्निंग आए, नियमित बचत होते रहे, तुम्हारा खर्चा चलता रहे, और बच्चों को अपने कंपनियों में काम करने दो और आप भगवान की शरण में आ जाओ, गुरुओं की शरण में आ जाओ, तीर्थ क्षेत्रों में समय बिताओ, गुरुओं के साथ समय बिताओ, धर्म ध्यान के साथ जियो। तय मान करके चलना, अस्पताल में मरने की स्थिति नहीं बनेगी, गुरु चरणों में नमोकार सुनते हुए देह छोड़ने का सौभाग्य पाओगे। मोड़ो पर मुझे एक उल्टा दिखता है, बच्चों से ज्यादा मोह घर के बड़े बूढ़ों को होता है। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे युवक हैं जो कहते हैं, एक तो यही मंच पे भी बैठा है, जो चाहता है कि हमारे माँ बाप अब आगे निकले जाए, हम सब संभाल रहे, वो अपना उद्धार करे, पर उनको बेटा दिखता है, बेटा अकेला है, पोता दिखता है, बहू दिखती है, परिवार दिखता है। कब तक चले जाओगे तो कौन संभालेगा, ऊपर से आके संभालोगे क्या, बोलो, कोई भरोसा नहीं, कब टपक जाओ, बात समझ में आ रही है, कोई भरोसा है क्या। इसलिए कर्ता बुद्धि कम करो, कर्तव्य की भावना को सामने रखकर चलो, तब जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते रतनलाल जी, कम से कम आप व्रती तो बनी जाओ, बहुत सुनिए। चलिए अक्षय जैन पिपरी, इसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जैन जयपुर प्रामाणिक समूह। गुरुवर के चरणों में, गुरुवर के चरणों में मेरी सकल दिगंबर जैन समाज पिपरी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज रोट तीज का पर्व है। हमारी दिगंबर जैन आमना के अनुसार इस पर्व का क्या महत्व है और यह पर्व क्यों मनाया जाता है, नमोस्तु। देखिए, रोट तीज कोई धार्मिक पर्व नहीं है, एक सामाजिक रीति। रोट तीज का व्रत है तो रोट तीज का व्रत करते उपवास है, इसकी अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन रोट तीज एक ऐसा पर्व है जिससे मैं एक सामाजिक पर्व के रूप में लेता हूं, और ये मुख्यतया खंडेलवाल जैन समाज में प्रचलित है, समझ गए। उस दिन विशेष रूप से रोट बनाया जाता है और रस परित्याग पूर्वक रोट खाया जाता है। इसके साथ जुड़ी हुई कहानियां तो अपनी जगह में उनमें नहीं जाता,
लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी भावना है वो रस त्याग की। जिस दिन रोड तीज होता है उस दिन घर में रोड बनता है, लोग एक अनाज खाते हैं, रसों का त्याग करके खाते हैं। उबली भी तोरू, रोट और बूरा, काम खत्म। एक धान खाना। और इसके पीछे एक जो सबसे सकारात्मक भावना है वो ये है कि उस दिन घर के मुखिया का महत्व समझ में आता है। रोट तीज के दिन ऐसी परंपरा रही है कि जो रोट होगा वो घर की मुख्य कुटुंबनी जो है मालकिन वो बनाएगी, और अलग अलग लोगों के नाम की रोट अलग अलग बनती है। और बड़ी प्रक्रिया के साथ उस व्यक्ति को एक पीढ़े पर बिठाया जाता, उसको तिलक किया जाता, चांदी के सिक्के से रोट तोड़ा जाता। और कई लोग तो ये करते थे, बचपन में मैंने भी किया, और उस चांदी के सिक्के से रोट का जितना हिस्सा टूटा उतना ही खाना। ये हुआ, ये परिपाटी थी, लोगों ने भुला दिया। और ये परंपरा इस बात का मतलब, कोई व्यक्ति उस दिन कहीं हो, रोट तीज के दिन अपने घर रहेगा और बड़े बूढ़ों के हाथ अपने रोट खाएगा, क्या बुराई इसमें? इसे त्योहार मत मानो, इसे एक सामाजिक परंपरा है। भोजन करना है, कुछ भी करना है, रोट खाना कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये हमारी सामाजिक चेतना का संवाहक है। अब आज क्या परिपाटी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भी मेरे ख्याल से जिस दिन रोट तीज है बड़ों को याद तो करते होंगे लोग, करते कि नहीं करते हैं? ये अब चांदी का सिक्का ही नहीं है लोगों के पास, तो क्या करें? वो व्यवस्था ऐसी थी। तो ये मुख्य रूप से खंडेलवाल जैन समाज में प्रचलित है और पूरे गांव को लोग खिलाते हैं, बड़ा उत्सव जैसा हो जाता है। तो अपने धार्मिक सामाजिक क्रियाओं में होते हैं, होता है, इसे धार्मिक दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। ये सामाजिक रीति है, उसको उसी तरीके से देखें जैसे बुंदेलखंड में एक सामाजिक पर्व है कजलिया भुजलिया, क्या बोलते हैं? हाँ, कजलिया भुजलिया दोनों बोलते हैं। वो रक्षाबंधन के बाद होता है, और रक्षाबंधन के बाद जिस व्यक्ति के घर उस वर्ष किसी प्रकार की गमी हुई हो, वो लोग समाज के लोग और रिश्ते दातेदार जाते हैं, उनके घर बैठने जाते हैं, उनके शोक संताप को दूर करते हैं कि अब आप सामान्य जीवन जिए। और कई जगह उनके कान में वो जवारे लगाते हैं, आजकल कुछ लोगों ने बंद कर दिया। तो ये एक प्रतीक था, ये धार्मिक नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, हमारी सामाजिक रीति है। रीतियों, रिवाजों और परंपराओं में ही मूल्य पलते हैं। जो लोग इन सब चीजों को नहीं समझते वो इसका उपहास करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। नहीं, कुरीतियों का अंत होना चाहिए और रीतियों की रक्षा। अगर हम अपनी रीतियां खो देंगे हमारी सांस्कृतिक पहचान मिट जाएगी। तो रोट तीज में सारा अनाज शुद्ध सोले का, सब कुछ सोले का प्रयोग होता है। अब आज क्या प्रमाद हुआ नहीं मालूम, लेकिन सारी व्यवस्थाएं सोले की होती थी। हमें याद है बचपन में लोगों के यहां रोट तीज के पहले चक्की वाला अपना चक्की धोता था, वहां से जाकर के लोग चक्की से अपना आटा पिसा के आते थे रोट का। अब तो घर घर में चक्की हो गई, शुद्धता के साथ। उसके पीछे भावना कि आज से हम शुद्ध खाएंगे तो आगे 10 दिन भी शुद्ध खाने का मौका मिल जाएगा, भावना ये थी, समझ गए? तो ये चीजें हैं। अब उन चीजों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें जोड़ दी, मंदिरों में रोट चढ़ाना और चीजें चढ़ाना, ये अलग चीज है, लेकिन रोट खाना, रोट बनाना कतई बुरा नहीं है। आपको जो जी में आए वो खाइए, लेकिन अगर खाइए तो उसको इस तरीके से
लीजिए कि आपकी रीतियां पले आज के लोग इसे भूलते जा रहे हैं। होएगी इसे आने वाली पीढ़ी में भी चलना चाहिए जो हजारों साल से चलता आ रहा है। किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी परंपरा में यदि कोई रीति है तो उसका पालन होना चाहिए, कुरीतियों से बचना चाहिए। अपने बच्चों को भी ये बात कहना चाहिए, बेटा ये हमारी सामाजिक पहचान है, इसे हमें खोना नहीं, इसे मेंटेन करके चलना है, तब इसका लाभ है। अरविंद जैन जयपुर प्रामाणिक समूह, इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी निशा जैन राजस्थान। बंधु हम आपके लिए बतला दें, कल से श्रावक संस्कार शिविर का प्रारंभ हो रहा है और जैसे कि आपको घोषणा की थी, श्रावक संस्कार शिविर के समस्त कार्यक्रम प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित किए जाएंगे। जूम पर भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों के फोन आए, लोगों के मन में ये संदेह हो गया कि महाराज श्री को हम कैसे लाइव देखेंगे, क्योंकि मोबाइल सभी यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन सबकी सुविधाओं को देखते हुए और क्योंकि आप तो यहाँ पर कार्यक्रम का लाभ लेंगे ही, देश और दुनिया के हजारों लोग अपने घरों पर बैठ करके, भले ही मंदिर खुल गए हों लेकिन लोग मंदिर में पूजन जल्दी करके आ जाते हैं और चैनल के सामने बैठ करके शिविर के कार्यक्रम को देखते हैं। तो शिविर का संपूर्ण कार्यक्रम प्रातः काल 5 बजे से भावना योग से लेकर के रात्रि शंका समाधान, सायंकाल शंका समाधान तक के सभी कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। जो भी लोग देश और दुनिया में, जो लोग देश और दुनिया में शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि आप अपने घर के कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिएगा, समय को मिलाइएगा। प्रातः 5 बजे से शिविर प्रारंभ होगा, 5:10 पर पूज्य मुनिश्री यहाँ पधारेंगे, मुनिश्री के माध्यम से भावना योग यहाँ पर होगा, 6 बजे से अभिषेक शांति धारा, उसके बाद नित्य पूजन पर्व की पूजन, 8:40 से 8:30 बजे से इस मंच की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी, 8:40 से पूज्य मुनिवर श्री के मंगल आशीष प्रवचनों का सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होगा 10 लक्ष धर्म के ऊपर, उसके बाद 10 लक्षण विधान यहां पर संपन्न होगा और 10 लक्षण विधान के लिए, 10 लक्षण विधान के लिए आप सभी को मालूम है कि प्रतिवर्ष 2 मंडल बनाए जाते हैं, 10 लक्षण विधान के लिए प्रमुख पात्रों का चयन किया जाता है, जैसे कल प्रातः काल की वेला में हम यहाँ पर संपन्न करेंगे, लेकिन ऑनलाइन भी जो लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं वे भी अपनी भावनाएं मोबाइल के माध्यम से यहाँ तक भेज सकते हैं। सौधर्मिंद, कुबेर, महायज्ञ नायक, श्रावक श्रेष्ठी, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र और चक्रवर्ती, इन प्रमुख पात्रों का चयन किया जाएगा। इसके बाद शेष पात्रों के चयन के लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी। दोपहर 10:30 बजे तक, 10:45 बजे तक लगभग 10 लक्षण विधान चलेगा। दोपहर 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र का 10 अध्याय का पाठ होगा, उसके बाद पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के 1-1 अध्याय का अर्थ किया जाएगा। और यह अगर आप सुनना चाहते हैं तत्वार्थ सूत्र, तो प्रामाणिक ऐप, प्रमाण सागर यूट्यूब और जूम, इन तीनों पर लाइव तत्वार्थ सूत्र को आप सुन सकते हैं। इसके बाद 4:30 बजे से शिवरात्रियों का जो स्वल्पाहार होता है वह 5 बजे से प्रतिक्रमण होगा, उसके बाद गुरु भक्ति और 6:20 से शंका समाधान का कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो इन सभी कार्यक्रमों में आप भी अपनी सहभागिता दें और देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी लोग भी अपने समय को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि आप शिविर के संपूर्ण कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। हेलो, मेरे परम आराध्य सिद्धदेव गुरुवर, आपके श्री चरणों में अरविंद कुमार जैन जयपुर और सकल दिगंबर जैन समाज का कोटेशन नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम सभी लोग 300 साधर्मी भाई बहन जो कल से 10 दिन में शिविर में अपना गृह त्याग करके आए हैं, हम सब बड़े पुण्यशाली हैं। ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग की टिकट हम पुण्यात्माओं को प्राप्त हुई है और हम 10 दिन का निर्विघ्न आनंद संपन्न निवृत्त हो, ऐसा आशीर्वाद आपकी अपेक्षा है। गुरुदेव, मेरी एक ज्वलन समस्या जो विकराल रूप इस समय ले रही है कि आज के वर्तमान समय में हमारे माता भाई बहने घुटने के दर्द से बहुत ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, लगभग हर परिवार में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें हमारे श्रीमती जी भी 1-1.5 साल से विगत परेशान है। तो गुरुदेव, जो भावना योग है हमारा, उस भावना योग के निदान के लिए
इस मन से गुरुदेव मैं आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ कि इसके भावना योग करने से किस तरह से इसमें हम लोग को आराम मिलेगा। ओ देखिए, प्रायः भावना योग को लोगों ने अपनी चिकित्सा के साधन के रूप में स्वीकारना शुरू कर दिया, जबकि भावना योग की मूल अवधारणा तन को कम मन को ठीक करने की है। और मेरा मानना है, हमारा मन ठीक होगा, हमारी चेतना ठीक होगी, तो तन भी अपने आप ठीक होगा। मानता हूँ हमारे शरीर की बीमारियाँ भावना योग से ठीक होती है, हो रही है, बहुत लोगों की हुई है, और आए दिन लोग अपने अपने एक्सपीरियंस आप सबके बीच शेयर करते भी हैं। आप भावना योग करें, तत्परता से करें, लेकिन पहला उद्देश्य अपने जीवन को अच्छा बनाने का करें। जड़ को सुधारे तो ऊपर की चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब शरीर में बीमारियां तो ढेर सारी है, एक दूसरे से प्रेरित होकर आपने भावना योग करना शुरू किया, आधे अधूरे मन से किया, और फिर फायदा हुआ नहीं हुआ, और फिर कह रहे हमने तो किया कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, सबसे पहला जो उद्देश्य है अपने मन को, अपनी वृत्ति को, अपने स्वभाव को बदलने का, जीवन में सहजता, शांति और सकारात्मकता को विकसित करने का, वो हमें विकसित करना चाहिए। उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और दूसरे क्रम में उसके साथ जब हम चले तो फिर अपने शरीर की जितनी भी परेशानियां उसको दूर करें। भावना योग में ऊर्जा प्रवाह के साथ यदि आप घुटने में ऊर्जा को पहुंचा दें और उसकी जो विकृति है उसे दूर करने की धारणा बनाएं, तो आपको लाभ मिल सकता है। एक व्यक्ति ने तो अपना अनुभव सुनाया, उसके हार्ट ब्लॉक थे, आर्टरी ब्लॉक थी, लेकिन उसने हमसे आके कहा, महाराज जी डॉक्टर ने कहा था 80% और दो 65% थे, एक 85% थे। डॉक्टरों ने कहा स्टंट लगाना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं लगाया। उनने भावना योग किया, बाद में चेक किया तो बोला हमारे ब्लॉक पहले से कम हो गए। तो ये हो रहे हैं अगर आप करें तो, लेकिन मैं आपको ये सलाह कदापि नहीं दूंगा कि आप मेडिकल एड न लेकर के भावना योग करो, क्योंकि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मुझे और लपेट लोगे। भावना योग एक सहायक व्यवस्था है और उसे आप उस रूप में लें। सबसे पहले स्वस्थ लोग भावना योग करो तो कभी अस्वस्थ होगे नहीं। आप लोग जब बीमार पड़ते हो और सब जगह हार जाते हो तब धर्म की शरण में आते हो, तब आपको धर्म ध्यान दिखता है। अरे पहले से ही धर्म की शरण को स्वीकार लो तो ये नौबत ही ना आए। अब महाराज नहीं हो पाया, हो रहा है तो आप करिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, ऊर्जा उसके साथ प्रवेश कराइए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करने की कोशिश कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और ये बहुतों के जीवन में हुआ है। एक व्यक्ति के घुटने का ऑपरेशन तय हो गया था और ऑपरेशन के लिए जाना था, लेकिन बाद में उसने अपने मेंटल हीलिंग इस तरीके से दी, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह के अनेक प्रसंग सामने हैं। तो अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, जो उसकी विधि और व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप काम कीजिए, तन्मयता के साथ कीजिए, परिणाम अच्छे आएंगे। कुमारी निशा जैन राजस्थान, सौरभ जैन सागर। नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न है, आज के समय में एक युवा धर्म करना चाहता है, जैन धर्म के सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करना चाहता है, जैसे रात्रि भोजन त्याग, अनियन गार्लिक नहीं खाना, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। दूसरे लोग, जैन लोग ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो घर वाले, फैमिली और रिलेटिव्स बोलते हैं, और सीधे बोला जाता है कि आप घर छोड़ दो, माता जी बनो, ये करो वो करो। तो महाराज जी, अभी हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग में लग सकें, और हमें घर में रहकर धर्म के साथ बैलेंस कैसे बनाएं और धर्म कैसे करें? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। आज अगर कोई युवा नियम संयम का पालन करता है और बेसिक को फॉलो करता है तो हमें उसे शाबाशी देना चाहिए, उसकी पीठ थपथपाना चाहिए कि बेटा वाकई में तुम गर्व का काम कर रहे हो, और इसी तरह करना चाहिए, करना तो हमें भी चाहिए, हम कर नहीं पा रहे, पीढ़ियाँ तुम्हीं से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये विडम्बना है कि ऐसे लोगों को लोग हतोत्साहित करते हैं और बुरी तरह हतोत्साहित करते हैं। एक बार एक परिवार मेरे पास आया,
उनकी बेटी रात्रि भोजन का त्याग करे हुए थी, मंदिर जाती थी और धार्मिक नियम थे। उसकी शादी में दिक्कत आने लगी, शादी में दिक्कत आने लगी। परिवार के लोग लेकर आए, बोले महाराज जी इसके लिए किसी से बोलते तो रात्रि भोजन छोड़ना नहीं चाहती, रात्रि भोजन का त्याग छोड़ना नहीं चाहती, और कोई बोलते तो रात में खाना पड़ेगा, संबंध नहीं करना चाहते, ये लड़की तो बिल्कुल धर्मात्मा, हम इनसे संबंध कैसे करेंगे। अरे धर्मात्मा से संबंध करने को तैयार नहीं, अब व्यभिचारी से संबंध करने को तैयार हो, जो शराब पीने वाला उससे संबंध करने के लिए तैयार हो, जो खुल्लम खुल्ला अनाचार करने वाला उससे संबंध करने के लिए तैयार हो, और जो कुलाचार का पालन कर रहा उसके संबंध में संकोच, इससे बड़ी नादानी और क्या होगी। मैं सभी से कहता हूँ ऐसा युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और युवाओं को भी ठान लेना चाहिए कि कुछ भी हो मैं अपने नियमों में दृढ़ रहूंगा, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ भी क्यों ना हो, ये मेरी परीक्षा, इस पार हो या उस पार। कईयों के साथ शादी ब्याह में भी समस्या आती, कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं आ रही, हो सकता है। लेकिन एक बार एक लड़की ने ऐसी बात की थी, शायद रतलाम में, बावन गजा में, वहां शंका समाधान में अपने भावना व्यक्त की, और उसी के कार्यक्रम के समाप्त होते ही 4-5 फोन आ गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं तो आप सबसे कहूंगा ऐसी एजेंसी विकसित होनी चाहिए जो धर्मनिष्ठ लोगों का जोड़ा ठीक मिला सके, तभी तो धर्म की परंपरा चलेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, यह प्रयास होना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। आश्चर्य तो तब होता है जब साधु संतों से जुड़े हुए लोगों के घरों में भी यही हाल होता है। ये बहुत नकारात्मक बातें हैं और इन सब से हमें पूरी तरह से अपने को, अपनी पीढ़ियों को बचा करके चलना चाहिए। ऐसे बच्चों को अपवाद नहीं आदर्श मानना चाहिए, आदर्श है। आज की इस विषम स्थिति में भी ऐसा कर रहे हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक हैं जिन्होंने IIT किया लेकिन बाजार का पानी नहीं पिया, अच्छे से अपना काम कर दिया। तो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बस एक दूसरे के साथ जोड़ मिलाने की बात है, मजबूत रहना, घबराना नहीं, बस एक बात सोचना कि नियम मैंने लिए हैं, अपने लिए लिए हैं, अपनी मर्जी से लिए हैं, तो पालना भी मुझे है, मुझे दूसरों की बातों को कुछ नहीं सोचना। लोग कहें कि माताजी बन जाओ, तो बोलना जब बनना होगा तो वो भी बन जाएंगे, तुम ही आके पांव पड़ोगे, क्या सोचना, तुम ही आके पांव पड़ोगे, ये तो अपने योग की बात है। हम साधु बने या न बने, कम से कम साधुओं के सच्चे भक्त बनने का आदर्श तो उपस्थित करें, ये भी तो करें। लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, बहुत गंभीरता से विचार करें। गुरुवर के चरणों में मेरे द्वारा एवं मेरे परिवार के द्वारा बारंबार नमस्तु। गुरुवर, सवाल पूछने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। पिछले वर्ष कोरोना काल में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके पश्चात करीब 6-8 महीने का इंतजार करने के बाद मुझे नौकरी मिली घर बैठे, और अभी मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ। मेरी पहली सैलरी आई तो मुझे ऐसे भाव बने कि मुझे अपने परिवार के साथ तीर्थ स्थल पर आना चाहिए, और मैं शिखर जी आ पाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं भगवान का।